तो आज मैं अपने कॉलेज से लेकर के लखनऊ तक जा रही हूँ क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कॉलेज में। मुझे सेटल होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया कॉलेज में, तो मैं आई थिंक कॉलेज के स्टार्टिंग का तो नहीं शूट कर पाई, लेकिन मैं अब शूट कर रही हूँ एंड आज मैं लखनऊ जा रही हूँ। तो उस आपको शायद नहीं पता है कि मैं लखनऊ आ रही हूँ उनसे मिलना, तो उनके लिए सरप्राइज़ ब्लॉग होने वाला है ये। लेट्स सी, तो अभी मैं मेट्रो में हूँ, उसके बाद मैं फिर मेरी बस है रात की, मैं उसको पकड़ करके तब लखनऊ जाऊँगी। लेट्स सी तो था पर रिएक्शन कैसा आने वाला है। ये नोएडा सेक्टर 52 की मेट्रो है एंड इतनी लंबी लाइन लगी है, मुझे अभी जहांगीरपुरी जाना है तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है एक घंटा तो मुझे लाइन में लग जाएगा, फिर एक घंटा मेरा ट्रैवलिंग टाइम लगेगा अलग से। मैंने फाइनली पकड़ ली है मेट्रो, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। तो चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट एंड अभी मैं अपने मोमोज खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू आई थी, तो मेरा पार्टी चल रहा है। एवरेज चाय है और 15 रुपए बेकार हो गए मुझे लग रहा है मेरे इस चाय को लेकर के। तो ये वाली है, तो ज्यादा थक चुकी हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। अब मैं आपसे सीधा मुलाकात करती हूँ लखनऊ में। फाइनली मैं लखनऊ पहुंच चुकी हूं एंड आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो है साहब लोगों को सरप्राइज़ देना। काफ़ी धूप आ रही है इस साइड से एंड मैं भी मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूं, शायद मुझे मम्मा पिकअप करने आ रही हैं। अरे रोकोगी कि नहीं मम्मी? आ रही हो मस्त, तो चली जाती निशाद मुझको लाने के लिए। देखे थे इसीलिए मैंने सोचा कि कम से कम आप मारती हूँ मम्मी, चलो देखो ये भी घर बनने लगा के टूट टाट के दोबारा नाली मत गिरा दे रहा है। इसी से घर आने के बाद सच में कितना अच्छा लगता है। आराम से नहा धो करके फ्रेश हो गई हूँ एंड भी मैं चाय पी रही हूँ, घर की चाय काफी ही ज्यादा बेटर है हॉस्टल की चाय से। मैं हूँ शैलजा एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉगिंग चैनल शैलजा त्रिपाठी। तो आज मैं आ चुकी हूँ लखनऊ एंड अभी मैं मम्मा के साथ जा रही हूँ PGI। मेरी बॉटल गिरने वाली थी गाइस लेकिन बच गई, तो मैं इसे बंदी कर देती हूँ। हर तरीके से वो हेलमेट खोल पाएंगी, जब ना यूज करो किसी चीज का ना तो नहीं आता। फिट पूरा मुंह। मेरी ड्यूटी सिर्फ बैठने की है क्योंकि चलाती है मेरी मम्मी है, और ये जीवन में बड़ा बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए कि मम्मी चलाती है, मैं अपना बैठी रहती हूँ। असली मायने में मम्मी जैसे लोगों कहते हैं हैवी ड्राइवर, 20 किलोमीटर नॉन स्टॉप घर से लेकर के PGI तक इतना तगड़ा चलाया है कि बस पीछे बैठने वाले को ऐसा मुंह में उंगली रख के चबा लेनी है, अपनी कुछ बोलना नहीं है, बस थोड़ा संयम बांधना है, बाकी मम्मी चलाती मेरी बहुत अच्छा है। फाइनली पहुंच गए PGI।
मम्मी आज पूरे रास्ते कंटिन्यूअसली घर से चलाया और सीधा पिज्जा ही उतारा है। गजब का डेडिकेशन रहा है आज मम्मी। तेज धूप लग रही है और मेरे पास तो चश्मा है नहीं क्योंकि मेरी मम्मी ही इतना बड़ा लगा लेती है, मुंह ढक जाता है पूरा जिसपे, तो मैं चश्मे का क्या ही कर सकती हूँ। अब मम्मी ने बहुत तगड़ा चलाया है और सीधा उतरा है, अपना स्कूटी पार्क करा है इन्होंने और चश्मा लगा लिया है कि सीधा हॉस्पिटल चले। बहुत धूप भी हो रही है, छाए में चलो कहीं। जाली किसने लगाई हुई है यहाँ पे? मरे इसपे तो कौन। चेकअप हो गया बढ़िया से, अब हम लोग घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं और शायद अब मैं गाड़ी चलाऊं, नहीं है पहले मैं चलाऊंगी फिर मम्मी चलाएंगी, यही होगा। थक गई है ना बेचारी। इंस्टाग्राम पे है क्या? हाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो ये कटर वाली दिला दो मम्मी, उसकी कम से कम लिख तो लेगा बाद में। मैं घर पे आ गई हूँ और अब मैं धीरे धीरे ऊपर चलती हूँ इन दोनों को सरप्राइज करने के लिए। पिंडी मेहंदी सूख गई ऑलमोस्ट। पता कैसे चला मैं आ गई हूँ? बैग आपका रखा हुआ था। गाइस आज के लिए इतना ही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।